नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो आपके हाथ और पैरों को एकदम गोरा, चमकदार और सुंदर बना देगा। आज के युग में गोरा रंग पाना हर व्यक्ति चाहता है। हम अपने हाथ और पैरों को आकर्षित बनाने के लिए बाजार में उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, किंतु इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जब हमारे सामने कोई परिणाम नहीं आता तो हम काफी निराश हो जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसको अपनाने के बाद आप चाहे लड़का हो या लड़की, सभी के हाथ और पैरों को गोरा बना देगा और एक चमकदार त्वचा प्राप्त होगी। आइए जानते हैं वह कौन सा घरेलू नुस्खा है जिसको अपनाने से आप एक चमकदार और खूबसूरत त्वचा प्राप्त कर सकते हैं, और इन घरेलू उपायों से आपको किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो क्या है नुस्खा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लेनी है एक खाली कटोरी, और इस खाली कटोरी में दोस्तों आपको लेना है कच्चा दूध। देखिए दोस्तों इतनी सी मात्रा में हमें कच्चा दूध लेना है। दूध हमारी त्वचा को एकदम गोरा, चमकदार और सुंदर बनाता है। दोस्तों इससे हमारी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम होती है, और दोस्तों दूध हमारे हाथ पैरों की मैल और गंदगी को बाहर निकालता है जिससे हमारे हाथ और पैर गोरे, चमकदार और सुंदर दिखते हैं। अगली चीज हम इसमें लेंगे वो है दोस्तों ये बेकिंग सोडा। आपको इसमें एक चम्मच के बराबर बेकिंग सोडा ऐड करना है। दोस्तों बेकिंग सोडा हमारे त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे त्वचा की जितनी भी गंदगी होती है उनको सबको बाहर निकाल देता है और हमारी त्वचा काफी गोरी दिखने लगती है और चमकदार दिखती है। अब इसके बाद हम इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा अच्छे से मिक्स होकर तैयार है। अब इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है, आप इस तरीके से अपनी उंगलियों पे इसे ले और इस तरीके से अपने हाथों पर अप्लाई करें। दोस्तों आपको इसी तरीके से अपने पूरे हाथ और पैरों पर लगा लेना है। फिर दोस्तों आपको 10 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपको सादा पानी से अपने हाथ और पैरों को धोकर साफ कर देना है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगी कोई अच्छा सा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।